Yeah, good evening everyone. Today we are discussing one very important topic, Archimedes principle of class 9th and some principle of flotation, right? To start with, I have already told you the formula of pressure is equal to force upon area. The unit of pressure is Pascal and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. और ऑलरेडी बेटा इसका वीडियो ना 8th क्लास के चैप्टर में ही बना पड़ा डिटेल में, ठीक है ना, ये 8th में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स की। कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसे फ्लूइड कहते हैं, और फ्लूइड में लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों ही आती हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो इजिली फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। और जितने भी लिक्विड और जितनी भी गैसेज होती हैं वो फ्लूइड के अंडर आती हैं, ये ध्यान रखना, राइट। बुएंसी की बात करें, बुएंसी का दूसरा नाम है अपथ्रस्ट। सबसे पहले आपने बुएंसी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फील जरूर किया होगा। आप मग वॉशरूम में, आप अगर टब के अंदर मग ले जाते हो तो जब वो मग पानी के अंदर जाता है तो हल्का हो जाता है थोड़ा सा। नोट किया कभी आपने ये? ऐसा क्यों होता है कि एयर में तो वो हैवी है लेकिन वॉटर के अंदर वो बड़ा हल्का सा लगता है? जैसे अगर मैं पानी में स्विमिंग पूल में हूं तो मुझे भी इजिली डिस्प्लेस कर पाओगे, खींच पाओगे हाथ पकड़ के, राइट। लेकिन जब मैं एयर में आऊंगा तो मैं भारी लगूंगा तुम्हें काफी। आप चाहो तो ये एक्टिविटी अपना आराम से करके देख सकते हो, राइट, कि चीजें जो है पानी के अंदर हल्की होती हैं पर जैसे ही बाहर एयर में वही सेम चीज आती है तो हैवी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है बुएंसी यानी बुएंट फोर्स की वजह से, राइट। तो कोई भी जो लिक्विड है बेटा वो एक बॉडी पे अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है, जिस फोर्स का क्या नाम है, जिस फोर्स का नाम है बुएंट फोर्स। क्या नाम है? बुएंट फोर्स। कोई भी जो लिक्विड है किसी भी बॉडी पर, कोई भी लिक्विड हो सकता है, अब जरूरी नहीं है हर बार पानी ही होगा लिक्विड, कभी ऑयल हो सकता है, कभी कोई डिफरेंट वैरायटी का ऑयल हो सकता है, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो बुएंसी तो फिनोमिना है रिलेटेड टू दिस, और इस टाइप का जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं बुएंट फोर्स या हम कहते हैं उसे अपथ्रस्ट। याद रखना, उसे कहते हैं बुएंट फोर्स या अपथ्रस्ट। अब ये जो बुएंट फोर्स होता है, इट इज द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी। बुएंट फोर्स क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, अपवर्ड फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय द लिक्विड। लिक्विड फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है? बॉडी के ऊपर लगा रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी फिगर नंबर 52 में आप देख सकते हैं कि कोई भी, ये शायद प्लास्टिक की कोई चीज है जिसे अपने थंब से फोर्स लगा रहा है। आपने अगर स्विमिंग किया तो प्लास्टिक वाले वहां पर पड़े होते हैं अपरेटस, ताकि आप डूबो ना, उसके ऊपर आप इजिली मतलब स्विम कर सकते हो उन्हें पकड़ के, राइट। और प्लास्टिक को अगर तुम पानी में फेंकोगे भी वो बाहर आ जाता है। सबसे पहला मेन क्वेश्चन एक माइंड में हमारा आता है, यार कई चीजें ऐसी होती हैं वो डूब जाती हैं, कई ऐसी होती हैं वो पानी के अंदर तैरती हैं, और कई जो होती हैं वाटर के ऊपर आके फ्लोट करती हैं। ऐसा क्यों होता है? कई चीजें डूब क्यों जाती हैं, या कई इनसाइड द वाटर क्यों फ्लोट करती हैं, या कई ऊपर की तरफ, प्लास्टिक जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। इन सब चीजों का आंसर हमें इसी टॉपिक में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कई चीजें जो पानी में हम मतलब डालते हैं, सिंक कराते हैं, उनका वेट कंपैरेटिवली लेस हो जाता है जब तक वो पानी में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, वो एक बुएंट फोर्स इस कॉर्क पर, ये कॉर्क है कोई, उस पर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो कॉर्क ऊपर आ गया। आप फिगर नंबर 52 में साफ साफ ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा, यही डेफिनेशन जो बुएंट फोर्स या बुएंसी की मैंने बोली, और अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज इन वाटर व्हेन दे आर इन एयर। ये सब मैंने आपको बताया, जब पानी में चीजें होती हैं तो वो हल्की होती हैं एज कंपेयर टू एयर। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, पेज नंबर 111 पे डेफिनेशन भी आप मार्क कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू, पेज नंबर 111 सेकंड पैराग्राफ, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बुएंसी, ठीक है। बुएंसी फंडा है, फिनोमिना है, और जो फोर्स अप्लाई होती है उसे कहते हैं बुएंट फोर्स, राइट। अब बुएंट फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बुएंट फोर्स। कोई भी अपवर्ड फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, जो लिक्विड में
ऑब्जेक्ट है उस पर जो एक्ट कर रही है अपवर्ड फोर्स, उसे क्या बोलेंगे, बुएंसी या बुएंट फोर्स बोलेंगे। द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। बुएंट फोर्स का ही दूसरा नाम क्या है, अपथ्रस्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बुएंट फोर्स है उसको भी हम अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। अब ये बुएंट फोर्स ही है जो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट जो लाइटर लगता है, राइट, राइट ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला भी एक बना रखा था बुएंट फोर्स का, जैसे मतलब अगर एपरेंट वेट को मैं W डैश मानता हूं और W है रियल वेट इन एयर, तो तुम्हें पता है पानी में चीजें हल्की क्यों हो जाती हैं, तो अभी हम आपको ये पिक भेज के भी दिखा देंगे। W डैश है एपरेंट, एपरेंट ना याद हो तो फेक है, फेक वेट, ठीक है। अगर आपको एपरेंट ना याद हो, फॉर्मूला है W डैश इज इक्वल टू W, W है रियल वेट इन एयर, रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, आई रिपीट रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर को कैपिटल W, और B डॉट F का मतलब है बुएंट फोर्स, ठीक है ना। तो ये मेन छोटा सा फॉर्मूला है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, W डैश इज इक्वल टू W माइनस बुएंट फोर्स, और ये फॉर्मूला जो है एक्ट करता है जिसकी वजह से चीजों का वेट जो है पानी में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जितनी भी बुएंट फोर्स एक्ट कर रही है वो बुएंट फोर्स, ये देखिए टिल्टेड पिक हुई है मेरे पास, कोई नहीं, W डैश इज इक्वल टू W माइनस बी डॉट एफ, बी डॉट एफ यानी बुएंट फोर्स, W डैश यानी एपरेंट वेट यानी कि फेक वेट, और W यानी कि रियल वेट इन एयर। मान लो मेरा रियल वेट है 900 न्यूटन एयर में और मेरे पे 300 न्यूटन का बुएंट फोर्स एक्ट कर रहा है पानी के अंदर, तो मेरा वेट कितना रह जाएगा, सिर्फ 600 न्यूटन, तो तुम मुझे इजिली स्विमिंग पूल से निकाल लोगे, डूब रहूंगा कि नहीं, ठीक है। तो बुएंट फोर्स, अगर कोई डूब रहा हो तो उसे बाल पकड़ के निकालना होता है, पता है, आती है स्विमिंग यहाँ किसी को, अगर स्विमिंग तुम्हें आती है तो स्विमिंग में अभी मैं ये भी बताऊंगा कि स्विमिंग में हम क्या बैलेंस करेंगे, बुएंट फोर्स और ये मतलब वेट कैसे बैलेंस करेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब जैसे मुझे थ्योरी बड़ी अच्छी पता है कि ऐसे स्विमिंग होगी, ऐसे होगी, बुएंट फोर्स की वजह से हम बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी को, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं अगर हाथ कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो लेग नहीं कंट्रोल होती है, लेग करता हूँ तो हाथ नहीं होते, ठीक है, ये बड़ी मुझे प्रॉब्लम आती है। लेकिन फंडा बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना, आप अपनी बुएंट फोर्स जो लग रही है इन सबको बैलेंस करके, अभी मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से आपको थ्योरी तो स्विमिंग की अभी सिखा दूंगा कैसे करनी है, प्रैक्टिकल के लिए आपको उतरना पड़ेगा पूल में, ठीक है। अब आता है कि कॉज ऑफ बुएंट फोर्स, क्या कारण है कि बुएंट फोर्स एक्ट करती है। बेटा जो प्रेशर लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है वो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, तभी हम कहते हैं ना सी में जितना डीप हम जाते हैं उतना प्रेशर इंक्रीज होता है, इसी वजह से तो हम स्विम सूट पहनते हैं। अगर वो स्विम सूट नहीं पहनूंगा ना तो ब्रेन की जो वेन्स हैं वो एक्सप्लोड होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट, और हाई बीपी हो सकता है, हाई बीपी की वजह से और उससे पैरालिसिस या इवन डेथ भी हो सकती है, तभी पहनते हैं ना जो डाइवर जाते हैं डीप सी में जाते हैं, इसी वजह से पहनते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे, और जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोअर करेंगे लिक्विड में तो ग्रेटर अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड अंडरनीथ इट प्रोवाइड्स एन अपवर्ड फोर्स, और वही ग्रेटर प्रेशर जो है एक ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट कराएगा जिसको हम क्या कहते हैं, बुएंट फोर्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बुएंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स। अब अगली पेज नंबर 112 पे एक्टिविटी दी है, बड़ी आसान सी एक्टिविटी है, इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस हमने यूज किया है। बेटा स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेट मेजर करते हैं, अगर आपके घर में नॉर्मल सिलेंडर आता है तो वो सिलेंडर वाला अपने साथ वो स्प्रिंग बैलेंस लेकर आता है, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली 16.2 केजी हो, पर मैंने आपको पहले भी बोला वो सब न्यूटन में होता है, मास की यूनिट केजी है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है ना, पर वो लेमन लैंग्वेज में ऐसे हम बोलते हैं। और अगर आपको मास पता है तो आप W इक्वल टू mg फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। यहां पर फिलहाल देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं एक सिलेंड्रिकल मेटल सिलेंड्रिकल है, जब तक वो एयर में है तो उसका वेट जो है 150 ग्राम दिया हुआ है, आप पेज नंबर 112 पे देख सकते हैं, राइट। जैसे आप उसे धीरे धीरे पानी में डिप करेंगे
वैसे वैसे उस सिलेंड्रिकल बार का वेट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। और वेट को कहां से पढ़ोगे? स्प्रिंग बैलेंस पे नंबर लिखे होते हैं, वो जितना स्ट्रेच हो रहा है ना वहां से। देखा तुमने स्प्रिंग बैलेंस लैब में या नहीं? तो इस बार अपने टीचर्स को बोलना, दे विल शो यू द स्प्रिंग बैलेंस। ये तो बड़ी हल्की एक्टिविटी यार, खुद भी कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो जैसे जैसे देखो स्प्रिंग बैलेंस पानी में जाएगा वैसे वैसे उसका वेट रिड्यूस होगा, और वेट देखो 120 ग्राम तक रह गया। ओके, ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत हल्की सी एक्टिविटी है। अब ये रह क्यों गया? शुरू में था ये, वही फॉर्मूला तो लग रहा है, W डैश इज इक्वल टू W माइनस बुएंट फोर्स। अब यहां बताओ अपरेंट वेट है 120 ग्राम और रियल वेट था ऑब्जेक्ट का एयर में 150 ग्राम, तो बताओ बुएंट फोर्स कितनी एक्ट करी? बुएंट फोर्स बोलो कितनी एक्ट की? 150 माइनस 130 यानी कि 150 माइनस 120 यानी कि 30 ग्राम बुएंट फोर्स एक्ट की है। देखो बच्चे, तो आज हमने ये तो सीख लिया कि बुएंट फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेट किसी पर्टिकुलर लिक्विड में डिक्रीज हो जाता है। पर मैं सिर्फ वाटर की बात नहीं करूंगा, और भी लिक्विड, कोई टर्पेंटाइन ऑयल हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है। टर्पेंटाइन ऑयल होता है तारपीन का तेल, ऐसे वेजिटेबल ऑयल होता है सरसों का तेल। हर उसकी अपनी अलग अलग डेंसिटी होती है, तो बुएंट फोर्स भी अलग अलग होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या फैक्टर है बुएंट फोर्स को इफेक्ट करने के। क्लास ये फॉर्मूला है ना 11th में है बुएंट फोर्स का, ये जो फॉर्मूला है 11th क्लास में है बुएंट फोर्स का। फॉर्मूला है V इंटू रो इंटू जी। बुएंट फोर्स का फॉर्मूला है V इंटू रो, रो होता है डेंसिटी का सिंबल होता है रो, आर एच ओ रो, और V का मतलब वॉल्यूम है, और आई रिपीट, बुएंट फोर्स का फॉर्मूला होता है V इंटू रो इंटू जी। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे पर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहां पर क्लास हमने आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, रुकिए ये देखिए स्क्रीन पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। बुएंट फोर्स का फॉर्मूला है V इंटू रो इंटू जी, V का मतलब है वॉल्यूम, तो बुएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, डेंसिटी का ही सिंबल है रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा। और स्मॉल जी तो पता ही आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड वैल्यू इसकी है, पर न्यूमेरिकल के लिए आप इसे 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान से फैक्टर पढ़ोगे किरण, तो फैक्टर देखो इसी फॉर्मूले पर गिवन है, V इंटू रो इंटू जी, मतलब यहाँ जी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बस V और रो दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है अगर बुएंट फोर्स वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, पेज नंबर है 113, और डेंसिटी पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, लिक्विड की क्या डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ पानी को ही लिक्विड मत समझो, डिफरेंट टाइप के ऑयल जैसे ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, इसकी डेंसिटी काफी कम है, राइट? तो ये लेस बुएंट फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्योंकि बुएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेंसिटी के। पानी की ज्यादा, पानी की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्लिसरीन की डेंसिटी होती है, ग्लिसरीन पता है आपको? ठीक है, ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है। ठीक है, तो क्लास ये ध्यान रखना, बुएंट फोर्स मेन 2-3 फैक्टर्स पे है, क्योंकि वो अलग अलग प्लैनेट पे स्मॉल जी भी अलग हो जाएगा ना, इसी वजह से वी रो जी है फॉर्मूला रियल में। ठीक है, ये 11th क्लास में आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है क्लास, तो ये अब हमने सीखा कि भैया अगर आप किसी भी चीज को किसी भी लिक्विड में डिप कर रहे हो, तो कोई भी लिक्विड जो है उस पर एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसी अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बुएंट फोर्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से उस बॉडी का वेट जो है उस लिक्विड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुरू करने से पहले मिस्टर आर्किमिडीज कितने फिनकी थे इसके बारे में मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं, और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फंडा आया कैसे ये भी बताता हूं। ये ग्रीक के ना, ग्रीक एक देश है, मतलब पहले उसका नाम था ओल्ड ग्रीक, रोम वगैरह के आसपास था कहीं। ठीक है, तो वहां के ये चीफ साइंटिस्ट थे, पुरानी बात है, कम से कम 500-600 साल पुरानी बात होगी, वहां के ये चीफ साइंटिस्ट थे, आई रिपीट, तो ये जो चीफ साइंटिस्ट थे, इन्हें राजा को ना, जो ग्रीक देश का राजा था,
उसे हमेशा लगता था कि यार मेरा जो मुकुट है ना, मेरा जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ, वो किसका बना है, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट मतलब मिक्स है। राजा को हमेशा ये डाउट था। तो अब राजा किसको बुलाएगा भाई, अपने चीफ साइंटिस्ट को ही बुलाएगा ये चेक करने के लिए। तो आर्किमिडीज ने बोला चलो मैं देखता हूँ कि ये बात सही है कि नहीं है। तो आर्किमिडीज, बड़े बड़े वॉशरूम होते थे इनके पहले के टाइम में, ये भी भाई चीफ साइंटिस्ट था, इसे बड़ा सा महल ही मिला होगा रहने के लिए, ठीक है। और ये वॉशरूम में अपने बाथ टब में आराम से उस मुकुट को इमेजिन कर रहा था। अब इसने उसी टाइप के मुकुट के अलग अलग क्राउन्स बना रखे थे, एक आयरन का बना रखा था, जो राजा का था वो गोल्ड का था, एक आयरन का बना रखा था और एक मतलब मान लो एल्यूमिनियम का बना रखा था, अलग अलग मेटल के बना रखे थे। अब एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो मुकुट बाथ टब में गिर गया और ये भाई साहब नहा रहे थे नेकेड, एंड ही नेकेडली रैन इन द मार्केट टू मीट द किंग, जो भी उसकी कैबिनेट थे उससे मिलने के लिए कि भाई यूरेका यूरेका, यूरेका का मतलब ग्रीक में होता है आई हैव फाउंड इट, राइट। तो यूरेका यूरेका कहते हुए ये भागे। तो राजा भी कहता कि कैसा फिनिकी है ये, मतलब नेकेड ही आ गया है मेरे कैबिनेट में, राइट। तो तब इसने बताया कि जो आपका क्राउन है वो प्योर गोल्ड का नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत पार्ट सिल्वर का भी एडेड है, ठीक है। तो भाई जिसने, जिस सुनारे ने, जिस गोल्ड स्मिथ ने बनाया था राजा, तो उसको मारता था, ठीक, कि भाई तू राजा को नकली माल बेचता है। तो फिर इसने समझाया नहीं, प्योर गोल्ड जो है वो इट इज नॉट फिट फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, 24 कैरेट गोल्ड का अगर आप भी कुछ बनाओगे तो वो चीजें मुड़ जाएंगी, ये सब हम एलॉयज में क्लास 10 में मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। तो कुछ ये कहानी थी जहां से फिर इसने ये चीजें सोची कि यार कईयों की डेंसिटी कम होती है, वहां से इसके माइंड में आया और उसके बाद ये शिप्स बनना शुरू हुए थे। बात समझ रहे हो, बड़े बड़े शिप्स ये सब जो है इसी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बोट्स, बड़े बड़े शिप्स। ऐसा नहीं है पहले नहीं थे, पहले भी रहे होंगे, लेकिन लार्ज स्केल पे जो ये शिप्स और ये सब है, कहते हैं आर्किमिडीज के बाद ही बनना शुरू हुए थे, ठीक है ना। अब जैसे आप आयरन के इतने बड़े बड़े शिप्स देखते हो, उसमें कार्गो सामान इधर से उधर होता है, राइट। तो अब भैया ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप होली या पार्शली किसी भी लिक्विड में डुबाओगे और अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, तुम्हें पता है ना पानी में कोई चीज डुबाते हैं तो वो वाटर को डिस्प्लेस करता है। आप चाहो तो एक बीकर ले लो छोटा सा, उसमें पानी भर लो और उसमें कोई आयरन का ऑब्जेक्ट डाल के देखो, तो कुछ पानी बीकर से बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि भैया अगर हम किसी भी चीज को पानी में डालते हैं तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट बॉडी, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड को, राइट। तो इसने ये बोला कि अगर समहाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो वो चीज तैरेगी पानी में। तो स्विमिंग में भी हमें यही करना है, मैं पहले कह रहा था कि मुझे मेरी बॉडी का जो वेट है, मैं जब स्विमिंग पूल में जंप करूंगा तो मेरी बॉडी कोई लिक्विड डिस्प्लेस करेगी पानी को, तो मुझे अपने वेट के बराबर जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर ये मैं बैलेंस करना सीख जाऊंगा तो मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा, राइट। बस इतना सा काम करना है स्विमिंग में तुम्हें, पर वो काम इतना ईजी होता नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो आर्किमिडीज ने ये बात बताई भाई, याद रखना, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। हम ये भी कह सकते हैं बॉयंट फोर्स और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट बराबर है। ये कंडीशन है, चीजें तैरे उसकी ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब इसी चीज को एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, W is equal to mg पर मास है 5 और जी दिया हुआ 10, वेट आ जाएगा 50 न्यूटन, ये तो कर ही लोगे आप। अब इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सुन लो, रिलेटिव डेंसिटी बताने के लिए, अभी मैं रिलेटिव डेंसिटी भी बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए इसने मुझे रिलेटिव डेंसिटी के लिए, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के लिए, मतलब हम थैंकफुल है, हाइड्रोमीटर जो लिक्विड की डेंसिटी बताते हैं, लैक्टोमीटर जो प्योरिटी बताते हैं मिल्क की, राइट। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये लैक्टोमीटर, राइट, ये प्योरिटी बताता है, मिल्क में पानी तो नहीं मिलाया हुआ, अलग होगी ना डेंसिटी प्योर मिल्क की, पर हर दूध वाला मिलाता है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर से तुम चेक भी कर सकते हो, और शिप और सबमरीन और पानी में जो भी चीज चल रही है
उन सब के लिए भी मिस्टर आर्किमिडीज का थैंकफुल करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, कई ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं, कई तैरते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मैं बुएंट फोर्स की टर्म में बोलूं, अगर आप चाहते हो कि किसी चीज को डुबाना चाहते हो, तो W क्या है? W है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। W क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैपिटल B क्या है? बुएंट फोर्स है। कैपिटल B क्या है? बुएंट फोर्स है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि चीजें डूब जाएं, तो याद रखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन द बुएंट फोर्स। अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? वो डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। अभी मैं आपको इसकी पिक भी शेयर करके दिखाता हूं। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बुएंट फोर्स बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, पर इनसाइड द लिक्विड। स्विमिंग करते हैं अंदर ही करते हैं पानी के कि बाहर करते हैं, बोलो? लेकिन प्लास्टिक फेंकोगे वो बाहर तैरता है, राइट। ऑब्जेक्ट, तो दोनों चीजें अलग अलग बात है। एक वो बैक स्ट्रोक होता है, उसमें मैंने देखा है हमारा सिर बाहर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल सिंक इनसाइड द लिक्विड। अगर बॉडी का वेट और बुएंट फोर्स बराबर होंगे, और अगर बॉडी का वेट लेस देन होगा बुएंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। कहां फ्लोट करेगा? हाँ, एट द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ लिक्विड। मैं वाटर नहीं कहना चाहता, ऑयल भी हो सकता है लिक्विड। इसकी अच्छी से पिक भेजो। अभी ये चीजें मैंने लिख दी है, मैं आपको पिक भी शेयर करके बताता हूं। तो बुएंट फोर्स की टर्म में तो बेटा ये फंडा है, राइट। तो बुएंट फोर्स की नहीं आई, बुएंट फोर्स की टर्म्स में ये है, मैं फिर से बता देता हूं। अगर वेट बॉडी का ग्रेटर देन है बुएंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर वेट बॉडी का बराबर है बुएंट फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, सॉरी मैंने सिंक लिख दिया, फ्लोट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट है बेटा, ये सिंक नहीं है यहाँ पर, सही करो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट विल फ्लोट है इनसाइड द लिक्विड, और W लेस देन B है, मतलब बुएंट फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा एट द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये ध्यान रखना क्लास, ठीक है। अब ऐसे ही हमें डेंसिटी की टर्म में बताना है, ऐसे ही हमें बुएंट फोर्स की टर्म में, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो ऐसे ही यही फंडा, यही सेम है। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, जीके की बुक्स बड़ा पढ़ता था, तो एक क्वेश्चन उसमें हमेशा आता था कि एक छोटी सी आयरन की नेल पानी में डूब जाती है, सुई। आप करके देख लेना, एक सुई को एक बाउल में वाटर ले लो, सुई उसमें रखो तो वो डूब जाएगी। लेकिन एक बड़ा सा वही आयरन का इतना बड़ा बनाया हुआ शिप पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? बोलो। क्योंकि सुई जब पानी में हम डुबाते हैं, तो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, वेट ऑफ द नीडल उस केस में ग्रेटर होता है देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द नीडल। और इतना बड़ा जो पानी का जहाज या बोट्स या जो भी चीजें तैर रही हैं, वो क्यों तैरती रहती हैं? क्योंकि वेट ऑफ द शिप जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है बात? पहली बार कभी वीडियो देखना यूट्यूब पे, पहली बार जब वो शिप को उतारते हैं ना सी में, तो ऐसे लड़खड़ाते हुए एक ड्रंकर्ड की तरह जाता है, राइट। ठीक है, क्योंकि वो बुएंट फोर्स बैलेंस करता है, राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये सब ही है, मतलब कई चीजें डूबती क्यों है, कई चीजें तैरती क्यों है, और कई तैरती है तो पानी के अंदर क्यों तैरती है, और कई पानी के ऊपर क्यों तैरती है। इन सबका आप आंसर बुएंट फोर्स की टर्म्स में देख सकते हो, और बुएंट फोर्स ही वेट ऑफ द लिक्विड, या बुएंट फोर्स की टर्म में भी दे सकते हो, डेंसिटी की टर्म में भी दे सकते हो, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की टर्म में भी देते हो। तो डेंसिटी तो वैसे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी कहते हैं। अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ वॉटर के, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, रो यानी डेंसिटी, याद रहेगा सभी को, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। और वाटर की डेंसिटी याद रखना भैया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी क्या है क्या नहीं। अगर ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल, बोलो, सिंक। ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। कर लोगे एक्टिविटी घर पे कि नहीं? वो जो नीडल बोली है वो वाली कर लेना, नीडल को ले लेना
और पानी में इजिली डूब जाएगी। ठीक है, पहले मैंने चेक करके देखा था डूबती भी है कि नहीं, तुमने देखा कभी चेक करके? देखना, डूब जाएगी। और अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ वॉटर के बराबर है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। कहां फ्लोट करेगा? इनसाइड 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 द लिक्विड। ठीक है, और अगर ये बताओ, ऐसे ये दो तीन टर्म में आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, और अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लेस देन है डेंसिटी ऑफ वॉटर से तो कहां फ्लोट करेगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट अबव, हाँ ऑन द सरफेस भी लिख सकते हो, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अभी यही चीज बेटा हम आपको जो मैंने बोली है मैं दिखा भी देता हूं। यही जो चीज मैंने आपको बोली, यही बेसिक फंडा है हमारा फ्लोटेशन का। ठीक है, ठीक है, यही चीज मैं आपको दिखा देता हूं। और डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी की टर्म्स में भी हम इसे ऐसे बोल देते हैं। यही सब लखमीर में यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, यही जो मैंने लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, रो यानी डेंसिटी, ये रो का सिंबल है ऊपर, ये जो पी को टिल्ड करके बनाया गया है। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन होगी डेंसिटी ऑफ वॉटर से तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ वॉटर के बराबर होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा इनसाइड द लिक्विड, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ वॉटर तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लास ऑफ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।